नागपूर शहराचे माजी शहराध्यक्ष शेख हुसेन, जेथे सर्व नेत्यांनी काँग्रेसवर व राहुल गांधींना ईडीने पाठवण्यात आलेल्या नोटीसवर सर्वांनी भाषणे केली आणि आमचे माजी अध्यक्ष शेख हुसेन 50 वर्षे काँग्रेसचे काम करत आहे, त्यामुळे त्यांनी जे भाषण दिले ते एक वाक्य प्रचार म्हणून होते, त्यात कोणालाही धमकीचा संदेश नव्हता, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते तौसिफ खान यांनी दिली आहे। देखिए, हमारे जो नागपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष हाजी शेख हुसैन साहब, उन्होंने कांग्रेस के हित में जो कहा, जो वहाँ पर सभी नेताओं ने कांग्रेस को, जो राहुल गांधी जी के ऊपर में ईडी के लिए नोटिस गया, राहुल गांधी जी को ईडी के ऑफिस में बुलाया गया और उस पर सभी ने भाषण दिया, और हमारे जो अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष हाजी शेख हुसैन साहब जो पुराने पिछले 50 साल से कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं, तो ये जो भाषण उन्होंने दिया, तो उन्होंने एक मुहावरे जो उन्हें कहा, वो मुहावरे के तौर पे कहा, वो किसी को मतलब धमकी भरा और ये ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, उन्होंने मुहावरे के तौर पे कहा। हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिस इतना उसको आक्रोश दिखाना चाहिए उस बात को लेके। मुझे नहीं लगता इन्होंने एक इसको राजनीति मुद्दा बनाते हुए और नागपुर शहर का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की है बीजेपी ने, जो आज इतना 300-400 का मजमा जो हाजी शेख हुसैन के खिलाफ में जो कम्प्लेंट देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और रही बात राहुल गांधी जी की, अगर राहुल गांधी गांधी परिवार के ऊपर में अगर जरासी भी आ जाएंगी, तो हम पूरे कांग्रेसी, हमारे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में, हाजी शेख हुसैन के नेतृत्व में, यहाँ पर विदर्भ के अंदर में नागपुर शहर में एक इससे और बड़ा आंदोलन हम लोग रोड पर उतरेंगे और जोरदार, इससे ज़्यादा आंदोलन हम करेंगे। और रही बात जो भाजपा के जो नेता है, इनके ऊपर क्यों नहीं है ईडी के नोटिस देते, क्यों सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में, राष्ट्रवादी के कांग्रेस नेताओं के ऊपर में ये ईडी के नोटिस जारी करते हैं, क्यों भाजपा के नेताओं के ऊपर नोटिस नहीं देते ये, इसका तो सवाल आप लोगों ने भी करना चाहिए ना, मीडिया का भी काम है कि इसके ऊपर में सवाल उठाना चाहिए कि जनता, जब सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ही आपको ईडी का नोटिस देने के लिए मिल रही है क्या, और गांधी परिवार के ऊपर आपने हिम्मत की उंगली उठाने की, ये छोटी बात नहीं है, ये देश के, पूरे देश का माहौल खराब करने की बात है ये। और हमारे कार्यकर्ता का आवाज़ उठाने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के ऊपर में इन लोगों ने खून खराबा किया, उनकी नाक से खून निकला, उनको घसीटा गया, रोड पर मारा गया, ये दबाव है, ये भाजपा के जो बड़े नेता है अमित शाह जी, जिनके जो गृह मंत्री है, ये पुलिस के, हमारे कार्यकर्ता जब रोड पर उतरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, उनसे लाठीचार्ज करवाते हैं, ये हमको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं ईडी के खिलाफ, जैसे हमारे नेता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको ईडी ने जब नोटिस भेजा तो आज वो भी देश के नेता है, तो ये जो है मोदी सरकार की जो नीति समझ में नहीं आई कि, तो वो 15 में भी क्लोज हो गया है वो मैटर, और जिस देश को, जिस खानदान ने यानी 90% प्रॉपर्टी पूरे देश को दे दी, और जिस खानदान के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दो बड़े नेता शहीद हुए, उस खानदान के खिलाफ में ईडी की नोटिस भेजना स्वाभाविक, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आना और सभी कांग्रेसजनों को गुस्सा आना एक बहुत स्वाभाविक है। और जब कल जो ईडी के खिलाफ में जो वहाँ पर में सब जो अपने अपने अलग अलग बात रखे, तो मेरे को भी भाषण हुआ, तो मैंने वही बात बोला, मैं अपने पार्टी को समर्पित हूँ और मैंने पार्टी के हिसाब से मैंने जो बोला, मैंने जो अपना भाषण दिया वो पूरा मेरा भाषण आपने सुना, लेकिन मालूम नहीं हो रहा कि उनको कौन सी ऐसी बीजेपी को ये लगी कि मैंने उनके कोई नेता के ऊपर में कोई ये किया, रह गया सवाल मैंने जो भी बोला, और मुहावरे के तौर पर मैंने वो आखिर में वो बात बोला, तो मैंने कोई वो नरेंद्र मोदी जी को या किसी को कोई बोलने की कोई बात ही नहीं आती, मैंने मुहावरे का मुहावरा दिया, ये सब कुत्ते की बात जो कि मुहावरे के हिसाब से मैंने बोला। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।